हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज मैं रेडी होके अभी मैं जा रही हूँ भावना दी के घर। और भावना दी के घर मैं काहे के लिए जा रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ, और पहले उनसे मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज इनको तो आप लोग जानते ही हो, ये हैं हमारी भावना दी। और आज माता रानी के प्यार और आशीर्वाद से ये जा रही है अपने बेटे की सगाई करने, तो इनके बेटे से भी मिलाती हूँ आप लोगों को। तो ये है गाइज इनका बेटा, इसकी आज सगाई है। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना इस बेटे को, और उसके बाद इसके पापा से मिलाती हूँ आप लोगों को। ये हैं लड़के के पापा, तो हम लोग जा रहे हैं आज सगाई करने। जय हो माता रानी, अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को देते रहना। आपके आशीर्वाद से हम लोग जा रहे हैं, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना हम लोगों पर। जय माता दी। तो माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना इन बेटे पे, और आज इनकी सगाई है। तो गाइज आप लोग भी सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम लोगों पे, तो हमारा काम हमेशा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को देना। और माता रानी पे तो हमेशा उम्मीद लगी रहती है हमें, और माता रानी आशीर्वाद देती भी है हम लोगों को। जय माता दी। गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे पुश्ते पे, गाड़ी की इंतजार कर रही होगी हम लोगों की। आप लोगों को पुश्ते पे मिलते हैं, फिर उसके बाद सीधे वहीं मिलेंगे। जय माता दी। जी है इनका डॉन, और इससे भी मिल लीजिए आप लोग। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं घर से, और इनको भी लो, और तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, घर के अंदर से हम बाहर आ गए। चलो गाइज हम दोनों जा रहे हैं अभी, दोनों पसीने पसीने वाले, तो दोनों को बहुत गर्मी लगती है हमें। इनको भी बहुत पसीना होता है, मुझे भी बहुत पसीना होता है, तो इसलिए हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो हम बैठेंगे पुश्ते से गाड़ी में, और जो हाँ जो गाड़ी वहाँ पे थी उसमें लड़का बैठ के आ रहा है चेतन, उसकी सगाई है। तो हम लोग पुश्ते से बैठेंगे, हमारी बड़ी गाड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं गली के अंदर, दो लोग आगे से जा रहे हैं, उनसे भी उनको भी दिखाती हूँ आप लोगों को। दो लोग आगे से जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, और हम दो लोग पीछे से हैं, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। तो गाइस निकल चुकी है बस, देख सकते हो आप लोग, और सारे चुनाव वाले, अरे वो अपने लिए खींच रहे थे। तो हम पुश्ते से निकल चुके हैं सगाई के लिए, और अब मिलेंगे आप लोगों को सीधे सगाई वाले घर में। गाइस देख लो दिल्ली में पहाड़ नजर आ गए हम लोगों को, सामने छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, कूड़े का पहाड़। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में हैं, और हमें कोल्ड ड्रिंक मिली है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम यहाँ पे। और इधर ये दीदी भी बैठी है मेरे बराबर में, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब तक मेरी कोल्ड ड्रिंक की गैस बुझाती है। तो गाइस अभी हम रास्ते में ही हैं, पहुँचे ही हैं, तो लाओ और दो गिलास। मेरी कोल्ड ड्रिंक की गैस खत्म कर देना ना वीडियो के चक्कर में, देखो आपको दे। गाइज हम पहुंच चुके हैं बैंक्वेट हॉल में, देख सकते हो आप लोग, अभी हम बैंक्वेट हॉल में एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। अंदर एंट्री हो रही है गाइज हमारी, देख सकते हो आप लोग। दीदी इधर देखो। तो गाइज अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अभी स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग भी, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज आपको मिलाती हूँ लड़के की अम्मा से, और दो ताई लोग हैं लड़के की, और एक मम्मी है, मम्मी को तो आप लोग जानते ही हो। और इधर साइड में हमारे पंडित जी भी बैठे हैं। तो गाइज और जो ये लोग दिख रहे हैं ये सब लड़के के साइड की हैं, तो जो लड़के के साइड के हैं ये सब इधर को बैठे हैं, लड़की वाले अभी कम पहुँचे हैं बैंक्वेट हॉल में। तो गाइज यहाँ आके नाश्ता पानी हम लोगों का होके, और पंडित जी कर रहे हैं सगाई की तैयारी। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं पंडित जी अपने सगाई का, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं सगाई आगे का प्रोग्राम। तो अभी पंडित जी लगे पड़े हैं अपने काम पे। तो गाइस
पंडित जी ने यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। और लड़का सामने बैठा है, लड़के के मम्मी पापा भी बैठे हैं और इधर से ताऊ ताई बैठे हैं और ये बैठे हैं लड़की के पापा। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी है गाइस, देख सकते हो आप लोग। दुल्हन आ गई है सगाई के लिए। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखांदरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपिता त्वहं ददाति राधा कृष्णाय यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वंदाय सुरात्रियाय नमो नमः। सर्वदाय नागाननाशप्रिय विभो सुताय शौर्यताय सदा वसन्तं गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म जगत्केतु सदा सत्य नारायण श्री आपको संभव नहीं।
हाँ हाँ वो और यहाँ पे हमारी भावना दी अपनी बहू को टीका करते हुए, देख सकते हो आप लोग। पल्लू के पीछे को आप दोबारा देखते उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई। ये चलते रहिए, दुपट्टा पीछे रखिए, दुपट्टा इधर सामने, ठीक है जी। हो गया इधर 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 सामने आइस ओपन रखो, चलिए हाथ का इधर 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 दुल्हन की दादी है, ये देख सकते हो आप लोग, टीका कर रही हैं जो दुल्हन की दादी है। और दुल्हन के दादाजी गए टीका करके, तो दादी कर रही हैं। तो दुल्हन के घर वालों द्वारा टीका किया जा रहा है दूल्हे का, तो देख सकते हो आप लोग। आता है इस तरह देख लेंगे, ये जो बहुत लिए कर जाएगी, बहुत लिए आंखें बंद करने को देखो, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। ये दूल्हे की अम्मा है और तुम चाची है? ताई। ये ताई है और ये भी ताई है और ये उनकी मम्मी की दीदी है और ये मम्मी की जिठानी है और ये अम्मा है उनकी और ये पड़ोसी है दीदी। अच्छा हाँ लो, हम सहेली हैं दूल्हे की मम्मी की, हम सहेलियाँ हैं दूल्हे की मम्मी की, भाई साफ सी बात है। दूल्हे की आंटी आएगी, हम और क्या। तो गाइस, सगाई से जो पहले पूजा होती है वो पूजा हो चुकी है और अब आ रहे हैं लड़का लड़की रिंग सेरेमनी के लिए। तो पूजा करने के बाद रिंग सेरेमनी होगी और वो लोग वो चीज़ भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखा होगा आप लोगों ने रिंग सेरेमनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है यहाँ पर और अभी यहाँ पे पहाड़ी सॉन्ग बज रहा है तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास, जो मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ। लड़का पक्ष के लोग यहाँ पे खुशी जाहिर करते हुए तो देख सकते हैं आप लोग और डीजे में सॉन्ग बज रहा है पहाड़ी सॉन्ग, तो सब अपने अपने हिसाब से खुशी जाहिर कर रहे हैं। Thank you.
देखो भैया आज देखो आज भावना दी को कितना गजब का माल मिला है और बेटे की सगाई में है खूब सारा माल मिला है इनको देखो और ये बैग भी भरा हुआ है और ये बैग आज हमें नहीं दे रहे आज ये बैग संभालने के लिए किसी को नहीं दे रहे आज इनको बहुत सारा माल मिला है देख लो लंच चल रहा है लंच चल रहा है रसमलाई किसकी है इनकी है रसमलाई और खाने मलाई के बाद वैसी का और पाठक जी वहाँ फोटो खिंचाने में बिजी है अभी वो फोटो खींचने में मस्त है अभी नहीं सुनती इनको बहुत बहुत बधाई आज इनके बेटे की सगाई है और अभी हमारा लंच चल रहा है और बैग नहीं छूट रहा आज हाथ से देखो बैग कितना भारी हो गया बोलो बोलो देखो बैग देखो आज के बाद और आप सब लोग भी इस जोड़ी को आशीर्वाद देना अपना और अभी हमारा यहाँ पे लंच चल रहा है देख सकते हो आप लोग और लड़का लड़की यहाँ पे डांस कर रहे हैं गाइस देख सकते हो आप लोग पहाड़ी गाने में लड़की डांस कर रही है तो आप लोगों को पता ही है म्यूजिक तो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती जो यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट है और इतना बता दूं कि कौन सा गाना है आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा डांस के हिसाब से धना मेरो नाम में पहाड़ों की बान वाला यहाँ पे गाना चल रहा है तो उसमें अभी लड़का लड़की डांस कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग तो और हम लोगों का लंच हो गया अभी इन लोगों का लंच नहीं हुआ है तो दिखाते हैं अभी और क्या क्या यहाँ पे चल रहा है तो सब दिखाएंगे आप लोगों को और काफ़ी अच्छा लगा आज की सगाई में और यहाँ पे दीप्ति भी नाच रही है लड़के की बहन कजरा मोहब्बत वाले सॉन्ग में नाच रही है ये भी और सॉरी गाइज आप लोगों को पता है बहुत लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता है तो म्यूजिक नहीं सुना सकते हैं हम लोग तो डांस थोड़ा बहुत दिखाएंगे क्योंकि बिना म्यूजिक के तो डांस देखना अच्छा भी नहीं लगता म्यूजिक के साथ ही डांस अच्छा लगता है तो इस वजह से थोड़ा सा ही डांस दिखा पाऊँगी आप लोगों को और काफ़ी अच्छा डांस किया है इन लोगों ने देख लिया होगा आप लोगों ने तो गाइज डीजे पे पहाड़ी गाना बज रहा है तो हम लोग भी चले गए डांस करने के लिए और लड़की भी नाच रही थी यहाँ पे तो लड़की के साथ साथ हम लोग भी चले गए डांस करने के लिए और ये भावना दी भी है सभी सहेलियाँ हैं हमारी यहाँ पे डांस करने वाली तो देख सकते हो आप लोग तो डीजे में पहाड़ी गाना चल रहा है तो नाचने का मन करता है और ये दीदी भी आ गई हैं तो हम सब लोग यहाँ पे भावना दी के साथ हम सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग तो सारी सहेलियाँ यहाँ पे नाच रहे हैं तो पहाड़ी गाना बज रहा था तो हमने सोचा हम भी नाच लेते हैं थोड़ा खैर नाच तो हम बहुत देर से रहे थे थोड़ी देर मैंने सोचा थोड़ी वीडियो भी बना लूँ और ये लड़की के पापा हैं देख सकते हो इन लोगों को भी नचा दिया हमने और समधी को नचाना भी ज़रूरी था तो और ये दीदी भी आ गई है और ये भी काफ़ी देर से नाच रही थी हमारे साथ तो
नाच तो गाइज हम बहुत देर से रहे थे और मेरे दिमाग में आया कि अपनी तो वीडियो बनाई नहीं और अपनी भी बना लेते हैं वीडियो। तो गाइज लंच हमने कर लिया था टाइम से, तो लंच करने के बाद डीजे में हम लोग डांस करने के लिए आ गए थे और अलग अलग पहाड़ी गानों में हमने अलग अलग तरीके का डांस किया। तो सभी सहेलियों ने हमने आज काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारा, बहुत यादगार रहेगा आज का दिन। और बस में भी हमने अच्छा इंजॉय किया, तो यहाँ पे भी हम लोग देखो आप लोगों को दिख ही रहा होगा काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पे। और लड़की को भी ले आए डांस करने के लिए फिर, तो सभी लोग हम यहाँ पे नाच रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे लड़का और लड़की बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, इनके पूरे फैमिली के लोग बैठे हैं खाना खाने। तो देख सकते हैं आप लोग खाना पीना चल रहा है इनका, तो हम लोगों ने तो लंच कर लिया, इनका लंच चल रहा है अभी। थोड़ा कम कम खाना, हाँ थोड़ा कम कम खाना, शाम के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो इनका लंच चल रहा है गाइज, हमने तो कर लिया लंच। और तो गाइज यहाँ पे टीका लग रहा है, सभी तरफ को विदाई हो रही है यहाँ से और अब हम निकलने वाले हैं। तो विदाई का टीका लगने लग गया है, देख सकते हो आप लोग पंडित के टीका लगा रहे हैं सबको। और तो उनके पापा खड़े हैं वहाँ पे, तो दूल्हे की मम्मी और दूल्हे के पापा और दोनों के पापा सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो हम यहाँ से विदाई ले रहे हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय। और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहना।